हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है ऑथरशिप एंड कंट्रीब्यूटरशिप। ओके, सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। क्योंकि इसका मतलब क्या है, ऑथरशिप एंड कॉन्ट्रीब्यूटरशिप बेसिकली रेफर्स टू द लिस्ट ऑफ ऑथर्स दैट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स सम रिसर्च वर्क। तो ये हमारी ऑथरशिप और कॉन्ट्रीब्यूटरशिप होती है, इसका मतलब हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट रेफर्स टू द लिस्ट ऑफ ऑथर्स हु एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वर्क दैट हैज बीन कैरिड आउट फॉर पब्लिकेशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, UGC ने इसकी एक डेफिनेशन दी है। बेसिकली ऑथरशिप और कॉन्ट्रीब्यूटरशिप का मतलब होता है अ स्टूडेंट, फैकल्टी और अ रिसर्चर और अ स्टाफ ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हु क्लेम्स टू बी द क्रिएटर ऑफ वर्क अंडर कंसिडरेशन। तो आप यहाँ चीज देख रहे हो, क्रिएटर ऑफ वर्क, इफ यू आर यू नो राइटिंग सम वर्क, इफ यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड सम वर्क, तो वो कहीं ना कहीं आपका किस में आएगा, ऑथरशिप में आएगा और कॉन्ट्रीब्यूटरशिप में आएगा। बेसिकली आपने अगर कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, सपोज इफ यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी आपका क्या होता है, ऑथरशिप होता है। ऑल पर्सन हु आर डेजिग्नेटेड टू बी ऑथर शुड क्वालिफाई फॉर ऑथरशिप। आप देखो, अब हम समझेंगे कि ये बेसिकली है क्या, क्वालिफाई कैसे करता है, क्या क्या गाइडलाइंस है। तो सबसे पहले आप इसका मतलब समझो, मतलब समझ आया कि किसी ने अगर किसी भी रिसर्च वर्क में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, उसने कोई काम को क्रिएट किया है या राइट किया है या लिखा है, या फिर उसने अपना मतलब लिखने में उसने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है जिसको हम इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑथरशिप और कॉन्ट्रीब्यूटरशिप। तो बेसिकली तीन तरह की हमारी कॉन्ट्रीब्यूटरशिप होती है। तो सबसे पहली है हमारी गोस्ट ऑथरशिप। नाउ व्हाट इज गोस्ट ऑथरशिप? गोस्ट ऑथरशिप इज सच ऑथर्स आर दोज हु कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशियली इन द डेवलपमेंट ऑफ पेपर बट आर नॉट गिवन द ऑथरशिप। मतलब किसी ने आपका पेपर लिखा और उस पेपर में आपने उसका नाम ही नहीं डाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गोस्ट ऑथरशिप। सच ऑथर्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, they have written your research work but you have not mentioned their name in the research paper as the co-author or the main author, or jo bhi aapka aapne naam mention nahi kiya hai. Then we have guest authorship. Guest authorship hota hai ki basically aap kisi ka naam apne research work mein isliye dalte ho kyunki unka naam dalne se aapke jo hai chances of selection ज्यादा हो जाएंगे, चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ज्यादा हो जाएंगे। तो गेस्ट ऑथरशिप इज यू आर राइटिंग नेम ऑफ समवन जस्ट बिकॉज यू वांट दैट योर पेपर शुड बी एक्सेप्टेड एज सून एज पॉसिबल। एंड देन वी हैव गिफ्ट ऑथरशिप। गिफ्ट ऑथरशिप होती है कि आप जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है किसी को गिफ्ट दे रहे हो आप। इट रेफर्स टू द इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ कार्टर सिंपली ड्यू टू एफिलिएशन। ध्यान से सुनना कीवर्ड्स, एफिलिएशन टू एन इंस्टीट्यूट। अगर आपका किसी इंस्टीट्यूट से एफिलिएशन है और जो है वहां पे रिसर्च कंडक्ट हुई है, तो इसीलिए आप क्या करते हो, वहां के जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है या डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है आपकी स्टडी में, फिर भी आप उसका नाम डालते हो। तो आपको डिफरेंस बता देती हूँ गोस्ट ऑथरशिप वॉज कि आपने पेपर लिखा है बट आपका नाम नहीं आया है, पहली चीज। गेस्ट ऑथरशिप क्या है कि आपका नाम इसलिए आया है क्योंकि आपका नाम आने से वो पेपर जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। गिफ्ट ऑथरशिप क्या है कि क्योंकि आपने किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम किया है, तो इसीलिए आपने क्या किया, वहां के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या किसी भी डिपार्टमेंट में से जो है नाम डाल दिया विदाउट एनी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब उन्होंने आपके पेपर में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, फिर भी आपने उनका क्या कर दिया, नाम डाल दिया। तो ये जो है बेसिकली टाइप्स ऑफ हमारी ऑथरशिप थी। अब कुछ बेसिक क्राइटेरिया होता है ऑथरशिप में आने का, अब वो बेसिक क्राइटेरिया क्या है हम उसको समझ लेते हैं। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस। सो यहाँ पे हमारा क्या है, मेक सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द डेजिग्नेटेड पर्सन। मतलब अगर इफ यू वॉन्ट टू कम इन द क्राइटेरिया ऑफ ऑथरशिप, तो आपको क्या करना है, आपको भैया कॉन्ट्रीब्यूट करना है, एज सिंपल एज दैट, इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टडी, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रेमवर्क, इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजाइन और इन रिस्पेक्ट ऑफ वट एवर। मतलब कोई अगर रिसर्च पेपर लिख रहा है तो उसमें आपको अपना क्या करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन डालना है, इन ड्राफ्टिंग, इन रिवाइजिंग, मतलब उस पेपर को रिवाइज करने में, ड्राफ्ट करने में, जो भी आपका इंटेलेक्चुअल कंटेंट है उसको ड्राफ्ट करने में आपको हेल्प करना है, जो भी अप्रूव करना है फाइनल वर्जन को, उसमें एडिटिंग वगैरह चाहिए, कुछ भी जो है काम होता है वो आपको जो है फाइनल वर्जन में करना है। और यू हैव टू बी अकाउंटेबल, यू हैव टू, व्हाट इज अकाउंटेबल, अकाउंटेबल इज आंसरेबल, कि अगर उस काम पे कोई भी क्वेश्चन आता है, यू हैव टू बी अकाउंटेबल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क और इंटीग्रिटी। तो समझ आया, आप कब
ऑथरशिप के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो जब आपने एक्चुअली में उस पर काम किया है, आपने उस आर्टिकल को रिवाइज किया है, फाइनल वर्जन को अप्रूव कराने में हेल्प करी है, एंड यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क, यू आर आंसरेबल फॉर दैट वर्क. ठीक है, अब कोप की भी कुछ गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस हम समझ लेते हैं. कोप ने क्या बोला है, देखो इन्होंने बोला है बेसिकली कमिटी ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स ने कि आपने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है इफ यू आर कंट्रीब्यूटेड. देखो ना सेम चीज आएगी, कोप ने आए सीएमजेई सब यही बोलते हैं कि आपको कंट्रीब्यूट करना है तभी तो आप ऑथर बनोगे. इफ यू हैव हेल्प्ड इन एक्वायरिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, मतलब आपने क्या किया कि उस डाटा को कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में उसमें हेल्प किया है, एडिटिंग करने में, बेसिकली आपने अपने डाटा को एडिट करने में, रिवाइज करने में, जो भी इंटेलेक्चुअल कंटेंट है, अगर ये तीन चीजें आपने फॉलो करी है तो आप ऑथरशिप में आ सकते हो. आपने डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन में हेल्प किया है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, रिवाइज करने में आपने हेल्प किया है, और ये जो है ये गाइडलाइंस आईसीएमजेई ने दी है, उन्होंने भी अपनी अपनी, तो ये आपको लर्न करना है. ठीक है, अब कोप ने कुछ गाइडलाइंस दी है और उन्होंने बोला है कि इन सब चीजों की वजह से ऑथरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सारी चीजें आपको स्पेशली ध्यान देनी है. तो सबसे पहले चीज क्या है, देखो ध्यान से देखना बच्चों इसको, इंडस्ट्री फंडेड स्टडी विद नो ऑथर्स फ्रॉम स्पॉन्सर कंपनीज. जो भी बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ इंडस्ट्री होती है, बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्री होती है, कंपनीज होती है, वो हमारी स्टडीज को, रिसर्चेस को फंड करती है. ठीक है, सो इंडस्ट्री फंडेड स्टडी विद नो ऑथर्स फ्रॉम स्पॉन्सर कंपनी, नेम ऑफ द ऑथर लिस्ट नोन टू बी फ्रॉम अनरिलेटेड एरिया. मतलब ऐसा हुआ कि कोई मैथ्स का टीचर है और उसने अपना कंप्यूटर साइंस के पेपर में नाम डाला हुआ है. अब ये कैसे हो सकता है, या तो उनका कोई दोस्त कंप्यूटर साइंस में है तो उसने एक पेपर लिखा तो बोला कि चल तेरा भी नाम डाल देता हूँ, तेरे नाम पर भी पेपर छप जाएगा. तो ये भी जो है ऑथरशिप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ठीक है, फिर उसके बाद और क्या पॉइंट्स है, सबसे पहला पॉइंट है फिर अनस्पेसिफाइड रोल, मतलब कि आपका जो एक्नॉलेजमेंट है उसमें आपका रोल ही स्पेसिफाइड नहीं है. क्वेश्चनेबल रोल है, लैंग्वेज क्वालिटी जो है कवर लेटर से सिग्निफिकेंटली डिफर करती है, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब आपके ऊपर शक जा सकता है यार ये ऑथर है कि नहीं है. दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर इज आप रिव्यूअर के कमेंट्स पे यू आर नॉट आंसरिंग, यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ रिव्यूअर का जो है, आप फिर उनके कमेंट्स को आप जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो, तो भी ऑथरशिप में क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है. किसी ने अगर मैनुस्क्रिप्ट को ड्राफ्ट किया है, रिवाइज किया है और उसका नाम ऑथर लिस्ट में नहीं है, मतलब कि रिवीजन स्टेजेस पे ऑथर का नाम बदल जाता है, तो भी ऑथरशिप प्रॉब्लम आ सकती है. और जो है इसके जैसे ही आर्टिकल जो है ऑथर के नाम पे पब्लिश हो चुके हैं तो इन पे पीस पे भी शक जा सकता है कि यार भैया ये ऑथर है कि नहीं है. तो बहुत सारे हमारे जो है पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं कि इंडस्ट्री फंडेड स्टडी विद नो ऑथर्स फ्रॉम स्पॉन्सर कंपनी, नेम ऑफ द लिस्ट फ्रॉम द अनरिलेटेड एरिया, अनस्पेसिफाइड रोल, क्वेश्चनेबल रोल, लैंग्वेज क्वालिटी इज नॉट मैचिंग विद द कवर लेटर, कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर इज अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू रिव्यूअर कमेंट. तो ये सारे क्या है पॉइंट्स है. अब क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जा सकती है टू एक्चुअली यू नो रिमूव दिस प्रॉब्लम, तो वो हम चीज देखने वाले हैं. सबसे पहला मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि अडॉप्ट क्लियर ऑथरशिप क्राइटेरिया, जो भी जनरल है, बेसिकली जो भी हमारे जनरल है, यहाँ से देयर इज अ स्पेलिंग करेक्शन, जो भी जनरल है दे मस्ट अडॉप्ट क्लियर क्राइटेरिया. ठीक है, वो बिल्कुल जो ऑथर को बता दे कि हमारा ये क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया अगर वो फॉलो करते हैं तो ही वो लिस्ट में आएंगे ऑथर की, वरना दे विल बी ऑमिटेड फ्रॉम द लिस्ट. सिंपल सी बात है. दूसरी कि जनरल, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, जनरल शुड कंसिडर रिक्वेस्टिंग द ऑथर्स टू प्रोवाइड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ऑथर कॉन्ट्रीब्यूशन. मतलब कि जनरल जो है वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई जिस ऑथर ने जो जो काम किया है यू शुड प्रोवाइड लिटिल डिस्क्रिप्शन. फिर उसके बाद जो भी कॉपीराइट ट्रांसफर एग्रीमेंट है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट है, वो भी क्लियरली यू नो उसके बारे में भी क्लियरली लिखा होना चाहिए. और लिस्ट ऑफ ऑर्डर, देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले एक फर्स्ट ऑथर आता है, उसके बाद को ऑथर आता है, फिर उसके बाद और भी जो है ऑथर आते हैं बेसिकली. तो अब ये क्या होता है, इनका ऑर्डर होता है जो अब तो क्या हो गया कि जो फर्स्ट ऑथर है और जो को ऑथर है उसको बराबर नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ चेंज हुआ है. बट लेकिन जो फर्स्ट ऑथर होता था वो ऐसा माना जाता है कि उसने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है. तो जनरल में पेपर सबमिट करने से पहले यू हैव टू डिसाइड, ऐसा नहीं है कि दो लोगों ने पेपर में लिख लिया, तीन लोगों ने मिलकर पेपर लिख लिया एंड देन दे आर फाइटिंग कि मेरा नाम पहले आएगा, मेरा नाम पहले आएगा. तो पेपर सबमिट करने से पहले जनरल में आई गेस जो है वो सब डिसाइड होना चाहिए कि इन विच ऑर्डर द नेम विल बी लिस्टेड इन द मैन्युस्क्रिप्ट. तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे. क्लियर क्राइटेरिया,
ईच ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी लिस्टेड, द एग्रीमेंट शुड बी यू नो मैंशनड क्लियरली, एंड देन किस ऑर्डर में आप नाम देने वाले हो उसके बारे में भी यू शुड बी क्लियर. ठीक है, उसके बाद देखो मैंने आपको तीन ऑथरशिप कराई थी इफ़ यू रिमेंबर. गोस्ट ऑथरशिप थी, ठीक है, एक हमारी क्या थी गेस्ट ऑथरशिप थी, और एक हमारी क्या थी गिफ्ट ऑथरशिप थी. तो इसके अलावा भी दो ऑथरशिप और होती है, दैट इज सरोगेट ऑथरशिप एंड एनोनिमस ऑथरशिप. देखो सरोगेट ऑथरशिप क्या होती है कि बेसिकली आपने जो है खुद अपनी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं लिखी है, यू हैव नॉट रिटन योर रिसर्च पेपर, और यू हैव नॉट रिटन योर यू वट एवर योर पब्लिश्ड वर्क, अनपब्लिश्ड पब्लिश वर्क, और योर वट एवर योर इंटेलेक्चुअल वर्क इज, आपने उसमें कुछ खुद काम नहीं किया, किसी और से लिखवा लिया. सो इफ योर मैन्युस्क्रिप्ट इज रिटन बाय समवन एल्स विदाउट एनी ओरिजिनल डाटा ऑफ योर ओन, देन इट इज कॉल्ड सरोगेट ऑथरशिप. एनोनिमस ऑथरशिप क्या होती है बेसिकली कि आप जो है एनोनिमसली आर्टिकल्स को पब्लिश कराते हो, उसको हम क्या बोलते हैं एनोनिमस ऑथरशिप. सो दिस वाज ऑल फॉर द कंट्रीब्यूटरशिप. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. इफ यू फील लाइक कि भाई आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, देर इज सम प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, पहली चीज. दूसरा, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, आई मीन बहुत सारों से, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से लेके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से लेके प्रीडेटरी जर्नल भी आई हैव कंप्लीटेड, रिडंडेंट पब्लिकेशन सिलेक्शन एंड मिसरिप्रेजेंट सिलेक्टिव रिपोर्टिंग मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो बहुत सारे आई गेस 5 to 6 मोर देन दैट टॉपिक्स हैव बीन कंप्लीटेड. यू can go and check the description box and please like, share and subscribe.